सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं यक्को बुरिया सर आपको कक्षा सातवीं में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले पार्ट एक में लेंगे, जिसका शीर्षक है मेरी भावना। यहाँ पर देखिए कवि ने क्या किस तरह से ये भावना को व्यक्त करा है। आइए सीखते हैं। जैसे बताया गया है कि कविता को किस तरह से कवि प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस कविता को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अहंकार का भाव ना रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव करो, कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कवि आगे क्या बोल रहे हैं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करो। मेरी मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दिन दुखी जीवों पर मेरे पूर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन कुर मार्गों पर शोक नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, हो नहीं कृतज्ञ के कभी द्रोह ना मेरे ऊपर आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर आए जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीवों या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच दे दे आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पथ डिगने पाए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुझ मुख से कहा करे। आगे देखिए, बनकर सब युगी हृदय से देशो नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जुगल किशोर के बारे में यहाँ पर हम लोग क्या है, जैसा कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए इस कविता में, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका अर्थ। जैसे अहंकार, अहंकार का मतलब होता है घमंड। उसके बाद परिणति, परिणति का मतलब होता है परिणाम। उसके बाद है आगे देशोन्नति, देशोन्नति का मतलब होता है देश की उन्नति। स्रोत, धारा साधन उद्गम। ईर्ष्या, जलन। हम लोग देखते हैं हमारे पास में यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से हमारे में या जो घर उसके घर के पास रहने वाले गरीब लोग क्या करते हैं, या वो सोचते हैं कि इनके पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और इस तरह से तो ये यहाँ पर ईर्ष्या की भावना उनमें आ जाती है। बाद में करुणा, करुणा का मतलब होता है दया, दया। कटु, कटु का मतलब होता है कठोर कड़वा। हिरे शोक खेत या दुख, क्रूर निर्दय। तो यहाँ पर अभी इस तरह से हमने देखा है एक कवि ने कविता में किस प्रकार के ये, किस प्रकार से यहाँ पर ये जो उनकी भावना प्रकट की गई है उसके बारे में यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है
कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर है कविता का सार, जैसा कि हमारे पाठ का नाम है मेरी भावना, कविता का सार है। इस कविता में जुगल किशोर युगवीर में कवि ने सभी व्यक्तियों को सदुपयोग दिया है। हमारे अंदर अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की भावना ना पनपे। हमारा व्यवहार सबके प्रति सरल और सत्यता से परिपूर्ण हो तथा सभी के प्रति परोपकार की भावना हम में बनी रहे। उसके बाद इस पाठ के पीछे कुछ प्रश्न दिए गए, उनके उत्तर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, आप लोग उनका उत्तर देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, पहला प्रश्न है हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पर है हमारा, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न था मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। तो उसका उत्तर है दुष्ट, कठोर और बुरे रास्ते पर चलने वाले लोगों के प्रति मन में समानता की भावना बनी रहे। आगे है तीसरा, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है, कवि किस तरह की देशोन्नति से सम्मिलित होना चाहता है। तो उसका उत्तर है देशोन्नति से कवि का आशय है देश की उन्नति से की गई है कि सभी प्राणी के मन में दृढ़ संकल्पी हो, युवीर बन देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहे। उसके बाद एक प्रश्न हुआ है, वो है निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग बनाइए। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ दिए गए बहुत सारे जो शब्द हैं, जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, उपकार, क्रूर और क्रूर, प्रेम और मोह, इन शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे, सद्गुण एक साइड और दुर्गुण एक साइड। तो सद्गुण में आ जाएंगे उपकार और प्रेम, उसके बाद दुर्गुण में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, क्रूर, मोह। तो बच्चों आज इतना ही हम लोग देखेंगे, अगले आने वाले चैप्टर में दूसरे पार्ट में हम आगे में आपको फिर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।